मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रभु ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे और खुश रहें। तो भाई, आज तो हम बना रहे हैं सरसों का साग। तो किनको किनको सरसों का साग पसंद है और किनको बनाना नहीं आता है, तो चलिए आज हमारे किचन में हम आज आपको सिखाते हैं सरसों का साग बनाना। और पंजाब में तो बहुत ही फेमस है सरसों का साग, मक्के की रोटी। तो हमारे इधर भी सब लोग बहुत खाते हैं और आजकल खेतों में सरसों है, चना का साग है, बहुत ज़्यादा मतलब बिक भी रहा है और खेतों में हो गए हैं। तो ज़रूर खाइए, सरसों का साग की तहसीर जो है गर्म होती है। तो ठंडी के मौसम में मतलब बहुत से लोग खाते हैं क्योंकि ठंड रहती है और सरसों का साग की ये पत्ते जो है ये गर्म होते हैं, तो और खाने में भी ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सबका अपना बनाने का तरीका अलग अलग होता है और आज हम बताएंगे कि हम कैसे बना रहे हैं सरसों का साग। तो वीडियो में हमारे बने रहिए आप सभी लोग। तो यहाँ मैं सरसों के पत्ते को अच्छे तरीके से मतलब उसके जो बड़े बड़े डंठल थे उसको तोड़ रही हूँ और तोड़ने के बाद इसको अच्छे तरीके से पानी में धुलूँगी ताकि कहीं कीड़े वगैरह यदि चिपके हों तो वो मतलब साफ़ हो जाए पत्ते। और एक बात का विशेष ध्यान दीजिए, जब भी आप पत्ते वाली सब्ज़ी बनाइए ना तो उसको बहुत अच्छे से पहले छांट लीजिए, उसको साफ़ करके धो लीजिए, तभी आप जो है उसको काटिए। तो यहाँ पर मैं इसके डंठल को तोड़ रही हूँ क्योंकि डंठल क्या है ना, पीसने में उतने अच्छे तरीके से ये पिसाएगा नहीं और कहीं ना कहीं गुज्जा गुज्जा जैसे रह जाएगा। तो इसलिए मैं जिनके बड़े बड़े डंठल हैं उसको मैं तोड़ तोड़ के बाहर कर रही हूँ और पत्ती सहित इसको मैं तोड़ रही, पत्ती को अलग कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ले आए थे एक दिन पहले ही और हमारे इधर चित्रकूट करबी में इस समय खेतों में सरसों का साग है, चने का साग है, पालक है, मेथी है, बथुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को सब्जियाँ बहुत अच्छी मिल जाती हैं। बाहर के शहरों में क्या है ना, कोई समझ में नहीं रहता है कि ये सब्जियाँ केमिकल वाली हैं कि ओरिजिनल सब्जी हैं, देसी सब्जी हैं। पर इधर हमारे ये गाँव साइड पड़ जाता है करबी चित्रकूट, तो यहाँ पर जो है सब्जियाँ खेतों से ही उग करके मंडी में आती हैं और फिर मंडी में बिकती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये मतलब दिमाग में नहीं रहता कि ये कोई इसमें कलर डला है या कुछ भी। लेकिन जब भी आप बाहर के जो लोग बाहर सिटी मतलब दिल्ली बम्बई जैसे बाहर के लोग हैं, तो जब भी हरी पत्तेदार सब्जी लाएँ तो हल्का सा गुनगुना पानी करके उस पत्ते वाली सब्जियों को पहले डाल दीजिए। अगर कुछ भी केमिकल कलर होगा तो उस पानी में आ जाएगा और फिर उसको थोड़ी देर बाद अच्छे से साफ़ करके धो करके तभी आप उस सब्जी का इस्तेमाल करिए। क्योंकि आजकल ना किसी का कोई भरोसा नहीं है, आदमी पैसे के लिए सभी की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं बेचने वाले, तो इसलिए आप लोग सतर्क रहा करिए ज़रूर। तो यहाँ पर चलिए, लेकिन हमारे इधर चित्रकूट करबी तरफ ऐसा कुछ भी इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पर खेत से उग के सब्जी मंडी में आती है। तो यहाँ पर मैंने पत्ते को अच्छे तरीके से तोड़ लिया था और उसको अच्छे से अब वॉश कर रही हूँ और इसको अब हम रखेंगे उबलने के लिए। जी हाँ, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए उबलने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं गलने देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा उबाल देंगे तो इसका जो ग्रीन कलर है वो चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले इसको थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए रखूँगी, तब से मैं दूसरा काम करती हूँ इसको बनाने के लिए। लहसुन, मिर्चा, अदरक ये सारा कुछ छील काट के इसको उचल लेती हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। और कैसे मैं बना रही हूँ, तो यदि मेरी ये बनाने का तरीका आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और जो नए भाई बहन हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। अच्छी लगी तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा क्योंकि जब तक आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ दलिया भी चढ़ा दिया है क्योंकि हमारे यहाँ ना चावल बहुत कम खाते हैं। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और मेरे हस्बैंड का स्कूल का भी टाइम रहता है, सुबह का ही 8:45 बजे चले जाते हैं, तो उनके लिए टिफ़िन भी बनाना रहता है मुझे। और बच्चे हमारे बाहर हैं इसलिए सुबह थोड़ा जल्दी इन्हीं के लिए रहती है, नहीं तो कोई जल्दी नहीं रहती खाना बनाने के लिए। और हमारे क्या सभी के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं तो थोड़ा सा उनका हाथ जो है वो हो जाता है, मतलब उतने काम नहीं रहते हैं। लेकिन घर में जिनके बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको खाना पीना देना वो बच्चों से कम नहीं होता है, बच्चों से बल्कि ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो
तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आप एक तरफ उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया और यहाँ पर मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने मिर्चा ले लिया है, तो मिर्चा मैं लाल मिर्चा लूँगी और हरे मिर्चे नहीं डालूँगी, क्योंकि लाल वाला जो मिर्चा होता है ना, तो वो थोड़ा सा टेस्ट उसका दूसरा रहता है। तो यहाँ पर मैं जो है क्या कहते हैं, लहसुन अदरक और हरी मिर्च, इसको पहले मैं कुचुर लूँगी एक ठो। तो कैसे बनाऊँगी तो आप वीडियो में हमारे बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। और जाड़े का मौसम है, इस समय सब्जियाँ बहुत अच्छी अच्छी आ रही हरी सब्जियाँ, तो इसका सेवन आप ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ दाल भी चढ़ा दिया है, थोड़ी सी अरहर की दाल भी चढ़ा दी है, क्योंकि सरसों का साग में हमारे यहाँ जो हमारे रेसिपी में खाते हैं, तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत ही पसंद है, लेकिन थोड़ा सा गर्म करता है इसलिए इतना नहीं खाते हैं, थोड़ा सा ही खाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लिए चाय भी चढ़ाई हूँ, क्योंकि भैया सुबह सुबह चाय तो बहुत ज़रूरी है, चाय के बगैर मेरा कोई काम नहीं हो पाता है। और हम लोगों की तरफ इधर अब ठंडियाँ भी अधिक पड़ने लगी हैं, 2-3 दिन से तो गलन भी हल्की सी पड़ गई है, लेकिन अच्छी बात है, ठंड नहीं पड़ेगी तो फसल कैसे होगा, है ना। तो चलिए, यहाँ पर मैंने कढ़ैया चढ़ा दिया है और मैंने उस सरसों के पत्ते को उबाल लिया है। उबालने के बाद मैंने उसको थोड़ी देर ठंडा होने के बाद उसको मैंने पीस भी लिया है। वीडियो में नहीं शेयर कर पाई हूँ क्योंकि थोड़ी जल्दी रहती है इस वजह से, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उबालने के बाद उसको आप थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद उसको जो है आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिएगा। और मैंने सरसों की पत्ती के साथ थोड़ा सा पालक भी लिया है, तो पालक आप ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा करछहापन जो है ना वो चला जाता है, क्योंकि सरसों का जो पत्ती होती है थोड़ी सी करछाती है। तो जब आप पालक मिला करके उबालेंगी और उसको पीस लेंगी ना, तो आपके वो सब्ज़ी में करछहापन बिल्कुल नहीं रहेगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने अपने दूध में चाय पत्ती भी डाल दी है, एक तरफ चाय भी बन रही है हमारी और एक तरफ दलिया भी बन रही है। और मुझे ना बहुत आराम हो गया, पता करें मेरे पास दो चूल्हे वाला गैस था, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मतलब एक तरफ दाल चढ़ाओ चावल चढ़ाओ, फिर उसको इंतज़ार करना पड़ता था कि पक जाए तो फिर मैं सब्जी बनाऊँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने पैसे कलेक्ट किए और रखी थी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से नहीं पूछा, क्योंकि भाई किचन का सामान है, उनसे क्या पूछना, हमें ही मैनेज करना पड़ता है, किचन में खाना पीना देखना रहता है, तो हमें जिस तरह कंफर्टेबल दिखेगा वहीं से ही काम करेंगे। तो फिर मैं गई, धनतेरस था, 3 साल हो गया मुझे ये चूल्हा लिए, तो फिर मैं 2 दिन पहले चूल्हे को लेके आई, अपने छोटे वाले बेटे को लेके गई थी और फिर लेके आई, तो बहुत आराम भी रहता है। एक तरफ दाल चढ़ा दिया, दलिया चढ़ा दिया, एक तरफ सब्जी भी चढ़ा दिया, तब से एक पक गया चाय चढ़ा दिया, तो बहुत आराम होता है। तो आप लोग भी ज़रूर ले लीजिए, अगर आपको जल्दी रहती है सुबह मॉर्निंग में अपने हस्बैंड के लिए या बच्चों के लिए, तो 3 चूल्हे का गैस ना बिल्कुल परफेक्ट रहता है, बड़ी जल्दी से खाना मिलता है, क्योंकि 3 चूल्हे रहते हैं तो चढ़ जाते हैं जल्दी से, वो बन जाते हैं। तो फिर मुझे काफ़ी आराम हो गया है चूल्हा लेने से, लेकिन थोड़ा सा ये इसकी साफ़ सफाई का थोड़ा इशू रहता है, लेकिन हाँ मतलब करते हैं, डेली ही करते हैं, लेकिन हफ्ते में 1-8 दिन इसको अच्छे से साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। अभी बीच में भी हमारे चूल्हे मतलब कम जल रहे थे, फिर मैंने अपने हस्बैंड को दिया, तो वो मतलब जो गैस बनाते हैं उनके पास ले गए थे, तो उन्होंने अच्छे से इसकी सफाई कर दी थी, तो बहुत अच्छे से जलने लगा। लेकिन अभी थोड़ा बहुत फिर से हल्का थोड़ा बहुत कम जलता है बड़ा चूल्हा, वो भी देखते हैं कि इसकी साफ़ सफाई ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी चाय हमारी उबल रही थी, तो हम उसी से चम्मच से चला रहे हैं। तो चलिए, अब हम इसकी अपने सरसों की साग बनाने की अभी तैयारी में हम सीखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा जो है, क्योंकि जब आप पूरा देखेंगे ना वीडियो तभी आपको पसंद आएगा, नहीं तो क्या है ना, पसंद नहीं आएगा। तो आज मैं सरसों का साग भी बना रही हूँ और एक सब्जी भी बना रही हूँ, क्योंकि लौकी हमारे गले की बड़ी सी लाई थी तो आधी कटी रखी थी, तो मैंने कहा जो कोई सरसों का साग नहीं खाएगा वो लौकी की सब्जी खा लेगा। तो यहाँ पर मैं लौकी को मेथी से छौंक रही हूँ, मेरे घर में ना जीरे से नहीं छौंका खाते हैं, मेथी से छौंक खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल में मेथी डाल दिया है और मिर्चा डाल दिया, हरा मिर्चा, और बिल्कुल सादे तरीके से लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ। और आजकल ना लौकी भी बहुत अच्छी अच्छी आ रही है, तो लौकी भी आप खाइए ज़रूर, बहुत टेस्टी लगती है। और पता है गर्मी में जो लौकी की सब्ज़ी बनती है वो उतनी अच्छी नहीं लगती, जाड़े में जो लौकी की सब्ज़ी बनाई जाती है
बहुत ही टेस्टी लगती है, और मुझे तो लौकी बहुत पसंद है। लौकी की सब्ज़ी से चावल तो मुझे बहुत पसंद है। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो मुझे चावल से पसंद है, मैं औरों का तो नहीं जानती, मैं अपना बता रही हूँ। जैसे कद्दू की सब्ज़ी है तो उसके साथ मुझे चावल पसंद है, आलू पालक सो बैंगन के साथ चावल पसंद है, लौकी की सब्ज़ी के साथ चावल पसंद है, ननुआ की सब्ज़ी के साथ चावल पसंद है। और हाँ, यही सब सब्ज़ियाँ हैं जो मुझे, मतलब अगर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी ना तो चावल ज़रूर बनाऊँगी। तो अभी तो मैं चावल बहुत कम खाती हूँ, नहीं पता, डेली में हम चावल खाते थे लेकिन अभी नहीं है। कभी जब मन करता है तभी गरम गरम बना लेते हैं खाने के लिए, तो उस दिन फिर मैं रोटी नहीं खाती। आप लोग को एक बात बता दूँ कि यदि जैसे आप चावल नहीं खाना चाह रहे हो, जिस दिन चावल खाना चाह रहे हो सॉरी, उस दिन आप रोटी मत खाना, बिल्कुल एक भी रोटी नहीं खाना, आप चावल खा लीजिएगा और पेट भर खाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप भूखे पेट आप खाइएगा, लेकिन रोटी ना खाइएगा, दोनों नहीं खाइएगा, क्योंकि चावल में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है और गेहूँ में भी होता है। इसलिए अगर जब भी खाएं ना तो दोनों में से एक चीज़ खाएं। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, जब मैं किसी दिन चावल बनाती हूँ ना तो केवल चावल ही खाती हूँ, रोटी नहीं खाती। और वैसे तो हमारे घर में दलिया बनती है, आप लोग देखते होंगे, जब भी मैं आपसे अपनी रोटी शेयर करती हूँ तो मेरे यहाँ दलिया ही खाते हैं, चावल बहुत कम खाते हैं, क्योंकि भाई शरीर की देखभाल करना ना बहुत ज़रूरी है, और चावल में फैट होता है। यदि आप वज़न कम करना चाहते हैं ना तो चावल को स्किप ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। और जो मैंने तरीका बताया है ना कि अगर चावल खाने का आपका मन है तो आप चावल ही खाइए, रोटी मत खाइएगा उस दिन, क्योंकि हमारी जो बहनें होती हैं ना वो चावल खाने की बहुत शौकीन होती हैं। जैसे मैं चावल, पहले तो मैं चावल इतना खाती थी कि मुझे रोटी बिल्कुल पसंद ही नहीं थी, रोटी मेरे अटकती ही नहीं थी, लेकिन अभी नहीं, उम्र के साथ साथ परहेज करना ना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, अभी यहाँ पर ये वीडियो मेरी थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने सोचा कि मैं पीस के रख ली हूँ, लेकिन ये वीडियो यहाँ पर मेरी ज्वाइंट हो गई है, पर कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मैं, ये देखिए, मेरा सरसों का पत्ता उबल चुका है, पालक भी मैंने इसमें डाला था, उबल गया, तो अभी इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूँ। और पानी जो है ना, तो पानी आप तो उसी पानी का इस्तेमाल करिए, फेंकिए नहीं, क्योंकि और पानी अच्छे अच्छा जब लेके आप उबालेंगे तो उस पानी का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। यदि आप नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, पानी को फेंक दीजिएगा, दूसरा पानी भी इस्तेमाल करिए, लेकिन मैं तो कहूँगी कि आप वही पानी इस्तेमाल करिए और उसी को उसमें डालिए, जैसे आप जितना पतला गाढ़ा पसंद करते हैं, क्योंकि उसका जो भी पालक और सरसों का है ना सारा पोषक तत्व तो उस पानी में आ जाता है। तो पानी लेकिन साफ़ सुथरा लीजिएगा, इन्हीं की गंदा पानी लीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए हम इसको अभी मिक्सर में पीस लेते हैं जो है। और बहुत से लोग ऐसे भी बनाते हैं, पर पता है जो पीसा वाला सरसों का साग होता है वो बहुत ही टेस्टी बनता है, आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा सच में। और थोड़ी सी देसी घी डाल दिया तो फिर क्या कहना है, बहुत ही टेस्टी हो जाती है सरसों के साग। तो इस समय आप लोग खाइए ज़रूर, इस समय बहुत आ रहा है जो है। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने लौकी को छौंक दिया है आपसे बात करते करते, और यहाँ पर हमारी चाय भी बन चुकी है। चाहिए भैया, ठंडी है ना। यहाँ पर हमारी वो काम वाली आई है, बर्तन वाली, तो सुबह ही आ जाती है वो। तो मैं आपसे एक बात बता दूँ कि पहले तो मैं बर्तन वगैरह खुद ही मांजती थी, सारे काम खुद करती थी, लेकिन मुझे 4-5 साल से जब से ये अर्थराइटिस हुआ ना, तो डॉक्टर ने मुझे ठंडा पानी मतलब मना कर दिया है, और एक जगह 1.5 घंटा बैठने के लिए भी मना किया है, क्योंकि जब मैं ठंडे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ तो मेरी उंगलियाँ वगैरह जकड़ जाती हैं और मैं फिर काम नहीं कर पाती हूँ, और जब एक जगह ज़्यादा देर तक बैठ जाती हूँ तो मेरे घुटने जकड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ध्यान देना ज़रूरी रहता है। पहले मैं करती थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, ना मैं आटा सान पाती थी, ना कपड़े धो पाती थी, मतलब काम नहीं कर पाती थी। तो फिर मतलब हमने लगवा लिया काम वाली, केवल बर्तन के लिए लगवाया है,
बाकी तो और हम खुद ही करते हैं जो है, तो वो सुबह ही आ जाती है तो उसको हम चाय पिला देते हैं। भाई काम वाली क्या कहें हम, वो भी एक इंसान ही है, एक दूसरे की फीलिंग को समझना चाहिए। आज उसकी मजबूरी है तो उससे काम करा रही है ना। और फिर हम हाउसवाइफ भी वही काम तो करते हैं, उन लोगों को तो हम सैलरी भी देते हैं, हम लोगों को तो हर महीने सैलरी भी मिलती। हाँ खर्चे के लिए हस्बैंड लोग देते हैं तो, लेकिन हम लोगों को तो छुट्टी भी नहीं मिलती। काम वाली तो कभी कभार छुट्टी भी ले लेती हैं। तो भाई एक दूसरे की इंसानियत को समझना चाहिए। तो वो भी बेचारी ठंडी में आती है, बर्तन धुलती है, तो फिर मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ ना, तो उसको भी चाय दे देती हूँ, एक कप पी लेती है, दो बिस्किट दे देती हूँ। भाई इंसान वो भी है, ठंडी उसको भी लगती है, पर इंसान की मजबूरी इंसान से पता नहीं क्या क्या कराती है ना। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हम चाय उसके लिए छानते हैं, देते हैं और हम भी चलते हैं चाय पी लेते हैं, और मैं उससे बातें भी करते जा रही हूँ। उबाल के धो के पाती पाती तो उड़ के धो के उबाल ली हूँ, अब जा रही हूँ पीसूंगी इसको। हाँ पीस के जल्दी बन जाते हो तो छोकलवा छोकलवा रहा अच्छा लगता मुझे, गरम करता है Woo!
मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। तो सरसों के साग बनाने के लिए मैंने सरसों को अच्छे तरीके से धो लिया, उसमें थोड़ा पालक भी मिक्स किया था और यहाँ पर उबाल लिया था, और ये देखिए मिक्सर में मैंने पीस लिया है। और इसको बनाने के लिए मैं कोई ज़्यादा तामा झामा नहीं करने वाली, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँगी। और यहाँ पर पहले मैं कढ़ाई चढ़ा दूँ, और इसको छौंकने के लिए मैंने लहसुन और अदरक को एक देखिए कुचर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा आधी प्याज ले लिया है, और यहाँ पे ये लाल वाला मिर्चा, तो लाल वाला मिर्चा ही लीजिए, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे चलिए हम कढ़ैया को चढ़ा दिए हैं, और ले लेंगे छौंकने के लिए हींग भी ले लेंगे, थोड़ा सा हींग भी डालेंगे। तो हींग से जो है स्वाद अच्छा आता है और डाइजेस्ट भी अच्छे से होता है। तो यहाँ पर मैंने लौकी छौंक रखी है, लौकी भी मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, अभी इसमें डालती हूँ मैं सरसों का तेल। ये देखिए थोड़ा सरसों का तेल अच्छे से डालिएगा, यहाँ पे ये डाल दिया। और इसको छौंकने के लिए मैं मेथी का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे ये देखिए, नहीं आप ना आइए, उधर ही रहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हमने देखिए मेथी ले लिए हैं, तो हमारा सारा कुछ रेडी है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, कैसे बना रहे हैं तो आप लोग देखिए। लाल मिर्चा ले लिया है, तो यहाँ पे हम अपने तेल को होने देंगे पहले। हाँ आ जाओ, आ जाओ, रुमाल लपेटे हैं। ये कितना छोड़ी हुई है, तो यहाँ पर मैं जो है चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल, और उसमें डाला है मैंने मेथी, और उसके बाद मैंने आधी प्याज डाल दी है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए हैं, तो वो कह रहे थे लाओ मैं छौंकूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैं अपने तरीके से मुझे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाला, और मैं बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। तो आप लोग भी लोहे की कढ़ाई में ही बनाइएगा, बहुत ही मतलब टेस्टी लगती है, और हमें उसमें जो लो तत्व है मतलब वो चीज़ भी हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया प्याज, और उसके पहले डाला था मेथी, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ी सी हींग। तो हींग आप ज़रूर डालिएगा, डाइजेस्ट में भी अच्छा रहता है, और स्वाद भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है हींग का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हींग भी कूच करके डाल दी है, और इसको प्याज को अच्छे तरीके से भूनेंगे। भूनने के बाद अब हम जो सरसों का पत्ता और पालक का पत्ता पीस के रखे हैं, तो उसको मैं डाल दूंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए, चलाते जाइए। अब इसमें जो लगा है ना, तो मैं जिस पानी में मैंने उबाला था वही पानी मैं इस्तेमाल करूंगी। आप ना करना चाहो तो मत करना, लेकिन मैं तो यही पानी इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल साफ़ पानी इसमें डाल के उबाला था जो है। तो यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ, और पानी भी आप अपने मतलब घर परिवार के हिसाब से, जितना गाढ़ा पतला और जितना अधिक लोग हों कम लोग हों, उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। और इसको अच्छे से अभी हम चलाएंगे, और अब हम इसमें आटा डालेंगे। आपके पास यदि बेसन का आटा हो तो बेसन का आटा डालिएगा, मक्के का आटा हो तो मक्के का आटा डालिएगा, और नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी डाल दीजिएगा, कोई भी आटा आप डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर पहले मैं इसमें जो भी लगा हुआ है इसको अच्छे तरीके से घोल के इसमें मैं मतलब पानी डाल दे रही हूँ। तो मेरे घर में ना चार ही लोग हैं, तो मैं मतलब उसी हिसाब से बना रही हूँ। अब आपको जितना गाढ़ा पतला पसंद हो उस हिसाब से आप
पानी का इस्तेमाल करिएगा। तो इसको चलिए हम चलाते जाते हैं अच्छे से। और अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, यहाँ पर ज़रा सा रुकिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो मैंने लहसुन और अदरक और मिर्चा जो मैंने कुचल के रखा था ना, उसको मैं अभी ऊपर से डालूंगी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं लाओ छौंक दूँ, मैंने कहा नहीं, हम वही बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से अब भूनूंगी, और जो लहसुन मिर्चा अदरक मैंने कुचल के रखा है उसको मैं इसको ऊपर से इसमें डालूंगी। इसको ऊपर से डालने से क्या रहता है कि इसमें जो है उसका जो है महक मतलब बना रहता है। तो यहाँ पर मैं इसको डाल के अच्छे तरीके से इसको चलाऊंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं जिस हिसाब से बना रही हूँ आप ज़रूर उस हिसाब से बनाइएगा, देखिएगा ना बहुत ही मतलब टेस्टी लगेगा। और सबका ना अपना बनाने का जो है तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा और फिर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको ये सरसों का साग कैसा लगा। तो चलिए इसको हम चलाते हैं, और बिल्कुल धीमे आंच में रखिएगा, तेज फ्लेम पे बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं ये नीचे से छपटने लगेगा। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं आटा। तो आटा मैंने बता ही दिया है कि आपके घर में जो भी आटा अवेलेबल हो आप उसको डाल लीजिएगा, चने का आटा, मक्के का आटा, बेसन का आटा, गेहूं का आटा, कोई भी आटा हो आप थोड़ा सा डाल करके इसको अच्छे से चलाइएगा। तो मेरे पास मक्के का आटा था, लेकिन इसमें क्या है ना कीड़े पड़ गए हैं, तो इसलिए मैं नहीं डालूँगी। तो पहले मैंने सोचा कि चाल के डाल दूँगी, लेकिन इसमें सूढ़ी पड़ी हुई है तो मैं नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर मैं गेहूँ का आटा डाल रही हूँ। तो आप कोई भी आटा डाल दीजिए, आटा डालने से इसमें स्मूथनेस आ जाती है अच्छे से। और आटा थोड़ा थोड़ा करके डालने के बाद इसको चलाते जाइएगा ताकि गुलथियाँ ना पड़े इसमें। तो चलिए अब हमारा ये इसको अच्छे से हम चला देते हैं, और इसमें हम नमक भी डाल देते हैं। नमक डालने के बाद इसको धीमे आँच में आप रखिएगा पकने के लिए। मैं बार बार कह रही हूँ तेज आँच में बिल्कुल मत रखिएगा, अगर तेज आँच में रखेंगे तो ये नीचे से छपटने लगेगा। तो इसको हमेशा धीमी आँच में ही, कोई भी साग हो ना तो हमेशा धीमी आँच में पकाइए, अच्छे से धीरे धीरे वो पक जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे इसका कलर भी ना बहुत अच्छा आया है, क्योंकि मैंने बहुत देर तक उबाला नहीं था, हल्का सा उबाला था, तो ग्रीन ग्रीन कलर भी आ रहा है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा इसी तरीके से, जिस मेथड से मैंने बताया है उसी हिसाब से आप भी बनाइएगा और अपने घर परिवार को खिलाइएगा, बाजरे की रोटी से, चने की रोटी से, चाहे जिस चीज़ की रोटी से। तो आप ज़रूर बना के खाइएगा और बहुत ही टेस्टी लगती, रोज़ रोज़ तो नहीं लेकिन कभी कभार ये सब चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि ठंडी सर्दियों का मौसम है तो जो चीज़ जो मिले उसको कभी कभार खाना चाहिए। डेली तो कोई चीज़ नहीं खाई जाती है, मन भर जाता है, लेकिन कभी कभी इसको बना के ज़रूर खाइएगा। तो यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया है, तो नमक हल्का डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी सरसों के पत्ते में और पालक में नमक होता है। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच घी भी, देसी घी डाल दिया। जब आप जान लीजिए कि मेरा ये साग पकने वाला है तो उसमें एक चम्मच ऊपर से घी डाल दीजिए। तो आप लोग देख रहे होंगे ना देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी कितना अच्छा आया है, लो इसको चला दो जरा, बहुत ही टेस्टी था जो है। तो ज़रूर बना के खाइए और अपने बना के खिलाइए। तो चलिए इसको हम अच्छे से चला लेते हैं, चलाने के बाद इसको अब हम उतार लेंगे क्योंकि ये हमारा पक चुका है। आप लोग देख ही रहे होंगे अच्छे तरीके से ये पक चुका है और नीचे से कढ़ैया में जो है उसको भी छोड़ रहा है। तो ये हमारा सरसों का साग बनके रेडी है। तो आपको बनाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देखते हैं और कौन कौन मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और किस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करना चाहेंगे तो ज़रूर बताइएगा। और मैं आप मेरे पास जो भी कुछ सीखने के सिखाने के लिए होगा तो ज़रूर बताइएगा, मेरे बस में होगा तो मैं वीडियो ज़रूर बना के आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरा दाल बन गया है, लौकी की सब्ज़ी भी देखिए बन गई है, दलिया भी, आटा भी सान चुकी हूँ, तो अभी मुझे बस रोटी बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे सरसों का साग बनके रेडी है। किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है ज़रूर बताइएगा, और आप बनाइएगा, केवल देखिएगा नहीं, बना के अपने घर वालों को ज़रूर खिलाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू। खाना देने के बाद इनको गुड मॉर्निंग जो है मैंने चाय किया। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहिए, घर में स्वस्थ रहिए। और इस समय ना ठंडियाँ पड़ने लगी हैं, पता है मौसम बहुत ठंडा हो गया है। और हम लोगों की तरफ ना इधर चित्रकूट तरफ जो है पहाड़ी इलाका है, तो इधर ना ठंडक बहुत जल्दी दस्तक दे देता है और ठंडी पड़ने लगती है। तो सवेरे शाम ना बहुत अच्छे से ठंडी पड़ रही है इस समय। तो बस अभी आज मैं मॉर्निंग वॉक करने गई थी, कल तो नहीं गई थी क्योंकि संडे था। और मेरे हाथों में ना कलाइयाँ थोड़ी सी सूजी है, दर्द कर रहा है, तो कल मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ी सुबह टहलने के लिए, और ठंड भी था तो नहीं उठे थे। आज गए थे मॉर्निंग वॉक करने, वॉक करके आए तो एक्सरसाइज योग करें, उसके बाद फिर खाने में जुट गए क्योंकि हमारे हस्बैंड का स्कूल था। तो वो कल लाए थे सरसों का साग पत्ती और थोड़ी सी पालक रखी थी, तो वो कल ही बनाने के लिए कह रहे थे, पर हम कल आलू गोभी मटर बना दिए थे क्योंकि गोभी रखी थी और गोभी दो तीन दिन रखी रहती है तो वो काली काली हो जाती है ना, तो वो अच्छी नहीं लगा करती है। एक मिनट ऐसे मोबाइल में रख दूँ, मेरा हाथ ना दर्द कर रहा है तो पकड़ नहीं सकती मैं मोबाइल इस तरीके से। तो चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं, फिर आपसे अच्छे से बातें करते हैं। तो बस चाय पी रहे हैं, एक चाय हमारी हो चुकी है सुबह सुबह मॉर्निंग में, ये दोबारा हम चाय पी रहे हैं। और मौसम ना ठंडा हो गया है तो भैया चाय तो हम स्किप करते ही नहीं हैं, और चाय तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाय के बगैर तो हमारा दिन की शुरुआत ही नहीं होती, हमारी आदत पड़ी है। हम वैसे मैं कहूँगी कि जो यंग जनरेशन है चाय छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, चाय कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आदत मत लाएं अपने में। और हमारी क्या है ना आदत पड़ चुकी है, तो बिना आदत के तो चाय हमारी छूटती ही नहीं है। तो बस अभी कल, हाँ मैं बता रही थी कि कल आलू गोभी मटर बना दिया था क्योंकि संडे था, और सरसों का साग लाए थे तो फिर हमने कहा अब ये बना दिए हैं तो कौन खाएगा, ये ख़राब ही होगा, तो फिर हमने उसको फ्रिज में रख दिया था। तो आज मॉर्निंग में मैंने बनाया, उसको धोया, अच्छे से उबाला, और आप लोगों से मैं शेयर ज़रूर करूंगी, तो आप लोग भी ज़रूर बनाना, सरसों का साग बहुत अच्छा लगता है। और पंजाब में तो कहते भी हैं सरसों का साग दिमाग की रोटी, मतलब सरसों के साग को मक्के की रोटी से खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और एक चम्मच घी डाल दीजिए, रोटी में भी लगा लीजिए और सरसों के साग में भी डाल दीजिए, तो देखिए फिर क्या बात है सरसों के साग का। तो आज मैं वही बनाई हूँ, तो और लौकी भी बनाया तो भी दे दिया, अभी वो लेके चले गए, तो जस्ट अभी मैं नहाई हूँ, नहा के मैंने पूजा किया और कपड़े धोए, कपड़े धो करके ड्रायर में डाली हूँ, और यहाँ पे मेरी चाय रखी थी तो बस अभी इसी को मैंने गरमाया। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा भुना चना ले लिया है और ये रस्क ले ली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ, तो दो ही दो तीन खा लेती हूँ सुबह, तो पेट भरा रहता है। और अभी हमारे घर में हमारी सास सो रही हैं, ससुर बाहर बैठे हुए हैं, अभी जब वो लोग उठेंगे तभी गरम गरम उन्हें रोटी बनाऊंगी। और आप सब लोग कैसे हो, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग खूब मेहनत करो और अच्छी वीडियो यूट्यूब पर डालो, और ऐसी वीडियो डालो जिसे लोगों को कुछ हमें सीखने, हमसे सीखने को मिले, वो उनकी वीडियो देखो, उनसे हमें कुछ सीखने को मिले। तो देखिए ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, तो इसमें सभी बहनें हमारी जुटी हुई हैं, और सभी लोग अच्छे वीडियो बनाओ, एक लिमिट में रह करके वीडियो बनाओ, और ऐसी वीडियो ना बनाओ क्योंकि यूट्यूब हो मोबाइल आजकल देखते हैं, इतने इतने बच्चों के हाथ में भी रहते हैं, सब लोग मोबाइल लेके देखते हैं, तो और यूट्यूब पे हम आए हैं तो मतलब अच्छे से वीडियो को बनाएं ताकि हमसे लोगों को कुछ सीखने को मिले, ना कि हर मर्यादा को उल्लंघन करके वीडियो बनाएं, तो देखिए सही नहीं है। वैसे भी YouTube प्लेटफॉर्म पर जो है जो घर के वो होते हैं ना, वो कहते हैं मत जाओ, क्योंकि YouTube पे कुछ लोग ऐसे हैं कि उल्टा सीधा कितनी गंदे तरीके से वीडियो डाल रहे हैं, बिल्कुल मतलब इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है, तो ऐसा मत करिए, अच्छी वीडियो डालिए। ये एक लेडीजों के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए जो कहीं जॉब नहीं करती, घर में रहती, घर के काम करने के बाद जब फुर्सत होती हैं, तो बहुत अच्छा YouTube प्लेटफॉर्म ये हमको मिला हुआ है, तो हम इसका अच्छे से इस्तेमाल करें, ना कि इसको गंदा इस्तेमाल करें, गंदे तरीके से इसको गंदा करें कि ताकि कल का ये भी प्लेटफॉर्म बंद हो जाए ना, तो फिर आप फिर क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। जैसे TikTok बैन हो गया,
तो इसलिए भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म मिला है हम बहनों को, तो हम लोग इसको अच्छे से वीडियो इसमें डालें। कोई भी आपके पास हुनर है उसको आप यूट्यूब पर लेके आइए, जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले। जो हमारे गांव की औरतें हैं उनको कुछ चीज़ें ऐसे शहरों की चीज़ें उन्हें समझाइए बताइए, ताकि उनको समझ में आए, क्योंकि गांव की औरतें कहीं बाहर नहीं जा पाती हैं बेचारी, कुछ चीज़ ज़्यादा बाहरी उनको जानकारी नहीं होती, तो आप उनको ऐसी जानकारी दें ताकि वो अच्छे से अपना घर परिवार को भी देख सके। तो यही मैं कहना चाहूँगी। और सभी लोग भैया ठंड से बचना, क्योंकि इस समय ठंडक हमारी पहली दस्तक दे चुकी है, तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि चढ़ती ठंडी और उतरती ठंडी ना बहुत नुकसान करती है। इसलिए आप लोग मजबूत कपड़े पहनिए, सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो भी मजबूत कपड़े पहन के जाइए, ना कि ऐसे। और देखिए दोपहर में ना धूप हो जा रही है, तो थोड़ी देर धूप में भी बैठिए, चाहे 10 मिनट ही चाहे 15 मिनट, ज़रूर धूप में बैठे। और मैं कह तो रही हूँ पर मैं खुद नहीं बैठ पाती हूँ पता है, क्योंकि हर बहनों की यही मजबूरी होती, क्योंकि सुबह धूप हो जाती है और सुबह हमारी सभी बहनों को खाना पीना देखना होता है, 10-11 बजे तक तो वो किचन में ही रहती हैं। तो फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप धूप में 15 मिनट ही सही, लेकिन धूप जरूर ले लीजिए, क्योंकि हमको जो नेचुरल तरीके से सूर्य के बदौलत हमें विटामिन डी मिलता है ना, वो हम गोली खाते हैं तो वो नहीं हमें उतना फ़ायदा करती है जितना कि हमें सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। तो ज़रूर आप लोग 15 मिनट का ही समय निकाल करके धूप में ज़रूर बैठें। तो चलिए भैया हम चाय पी लेते हैं, और आप भी क्या पिला तो सकते नहीं लेकिन बोल तो सकते हैं ना, तो चलिए हम पी लेते हैं। मेरी चाय ठंडी हो रही है और खाना हमारा रेडी हो चुका है, बस मुझे रोटी बनाना है, बस हो गया। तो इसी तरह आप अपना साथ और सपोर्ट बना के रखिए, कोशिश मैं पूरी करूँगी कि आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो दे सकूँ। और कुछ बहनें हमसे कह रही हैं कि आप ऑनलाइन लाइव में आकर के हमें डांस सिखाइए, तो देखिए बहन हमने ऑलरेडी 2 चैनल बना के रखी हूँ मैं, तो मेरे यहाँ वाईफाई नहीं है, नेट से ही सारा काम होता है, लेकिन कोशिश करूँगी कि संडे आप लोग को लाइव में आकर के जिन बहनों ने मुझसे बोला है उनको मैं डांस के स्टेप कुछ ज़रूर सिखाऊंगी, ताकि कहीं भी बारात वगैरह शादी विवाह वगैरह में जाएं तो वो नाच सके, ऐसा ना हो कि कोई कहे कि आप नाचिए तो उनकी इंसल्ट हो। तो मैं ज़रूर लाइव में संडे को कोशिश करूँगी लाइव में आके आपको ज़रूर डांस स्टेप सिखाऊंगी। तो जिनको अगर डांस सीखना है तो संडे को लाइव में ज़रूर आइएगा, तो मैं आपको एक दिन पहले ही टाइमिंग बता दूंगी, समय बता दूंगी कि कितने बजे मैं आऊंगी, तो आप लोग ज़रूर आना। थोड़ा बहुत आपको आ जाएगा तो आप शादी विवाह पार्टी वियर वगैरह में आप डांस कर सकती हैं, ठीक है। चलिए हम चाय पी लेते हैं, और हमारा रस कह रहा है कि जल्दी मुझे खाओ, तो चलिए खाते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत भूख लगी, हल्की फुल्की भूख के लिए देखिए ये थोड़ा बहुत अच्छा रहता है। और मुझे फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, एप्पल अच्छा लगता है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत भूख के लिए देखिए ये है, फल से तो पेट भरने वाला नहीं। तो चलिए ठीक है, ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट बना के रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। जो नए भाई बहन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल का नाम है सीमा मौर्य ब्लॉग, ठीक है। चलिए ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।